मिनट में चार मार्क्स। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा राइट एन एल्गोरिथम टू डिटरमाइन वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट। हमेशा हर एल्गोरिथम का जो स्टार्ट और जो एंड पॉइंट होता है वो हमेशा स्टार्ट और स्टॉप से होता है, इसलिए मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे स्टेप वन जो है उसको स्टार्ट लिखा है एंड जो लास्ट स्टेप हमारा जो कि स्टेप सिक्स है यहाँ पे उसको मैंने स्टॉप किया है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या बोला, रीड और इनपुट द नंबर। तो यूजर से हमको कोई ना कोई एक नंबर इनपुट करना है, तो मान के चलो यूजर ने जो नंबर दिया है हमको वो 10 है। ओके, यहाँ पे स्टेप थ्री में क्या बोला, इफ एन मॉड 5 इज इक्वल टू 0 देन गो टू स्टेप 5। अब इसका मतलब क्या होता है, एन मॉड 5 इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, मान के चलो मुझे मैं अगर जब n को 5 से डिवाइड करूंगा तो हमारे केस में अभी जो हमारा n है उसका वैल्यू 10 है, तो अगर मैं 10 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 टू जा 10 और मेरा रिमाइंडर 0 बच जाता है। ओके, दैट मींस यहां पे मॉड ऑपरेटर जो है मुझे रिमाइंडर देता है, एंड अगर ये कैलकुलेशन जो मैं करूंगा n मॉड 5 अगर ये रिमाइंडर 0 देता है, इफ इट इज इक्वल टू 0 दैट मींस ये ट्रू हो जाएगा, और अगर ये ट्रू हो जाएगा तो हमने क्या लिखा है, इफ n मॉड 5 इज इक्वल टू 0 देन गो टू स्टेप 5। तो यहां पे स्टेप 5 में क्या लिखा, डिस्प्ले द आउटपुट नंबर इज डिविजिबल बाय 5, मतलब जो नंबर यूजर ने दिया है वो 5 से डिविजिबल है। मान के चलते अगर इफ कंडीशन जो हमारा है, हमने अगर एग्जांपल लिया होता यहां पे 11 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं, यूजर ने मान के चलो n का वैल्यू 11 एंटर किया है तो 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 2 10 और यहां पे रिमाइंडर 1 बचता है, रिमाइंडर 1 बचता है मतलब ये 0 से इक्वल नहीं है, मतलब ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जब ये फॉल्स हो जाएगा तो एल्स के अंदर आएगा और बोलेगा नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5 एंड गो टू स्टेप 6, और स्टेप 6 में हम लोग ने यहां पे क्या लिखा है, स्टॉप लिखा है। देखो यहां पे ये बेसिकली हमारा इवन ऑड वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है, इवन ऑड में भी हम यही करते हैं। ये इवन ऑड का लॉजिक क्या है, मान के चलो कोई भी नंबर अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं और मुझे अगर रिमाइंडर 0 मिलता है दैट मींस इट इज अ इवन नंबर और एल्स इट इज अ ऑड नंबर। तो यहां पे एग्जाम में क्वेश्चन को सिर्फ घुमा के आपको इवन ऑड का ही पूरा लॉजिक है, बस घुमा फिरा के यहां पे सिर्फ क्या बोला है, टू चेक द नंबर वेदर इट इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट। तो ऐसे चार मार्क को स्कोर करने के लिए सब्सक्राइब करिए।